फागुन शुक्ल पक्ष तृतीया मंगलवार का पंचांग। इस दिन कैसे क्या है तो सुन लीजिए, देख लीजिए, गौर कीजिए, समझिए, समझाइए। तो मंगलवार का पंचांग कहता है कि तृतीया तिथि रात के 7:07 मैंने 7:15 तक पटना में तृतीया तिथि मंगलवार को रहेगा, और अश्विनी नक्षत्र माने कि करीब करीब 2400 घंटा रह जाएगा, एकदम माने कि 6 बजे भोर तक सूर्योदय के समय तक करीब करीब चल जाएगा 2400 घंटा अश्विनी नक्षत्र यानी 27 का नक्षत्र रहेगा, ब्रह्म योग रहेगा सुबह 7 बजे 7:30 बजे तक। चलिए अच्छी बात है, टेटिल कर्म ठीक है लगभग, अमृत योग है बहुत बढ़िया योग मिल गया, और अंग्रेजी तारीख आपको 16 तारीख है 16 मार्च, फसली 17 तारीख, सूर्य के अनुसार 2 तारीख हो जाएगा, और राष्ट्रीय 25 तारीख, चंद्रमा आपको मेख राशि में ही रहेंगे, पहले से चालू है मेख राशि में चंद्रमा रहेंगे, तो मेख राशि के चंद्रमा आपको पूरब की ओर हो गया, और पूरब के चंद्रमा जो है तो पूरब को और उत्तर के यात्रा शुभकारी है, और लेकिन मंगल बुध उत्तर दिशा काल है, अर्थात मंगलवार को उत्तर की दिशा ठीक न है लेकिन पूरब की दिशा ठीक रहेगा, और मेख राशि के चंद्रमा है तो मेख राशि के लिए बढ़िया रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:04 6:15 सुबह हो जाएगा, और सूर्यास्त 5:56 में 6 बजे शाम में, यानी कि बहुत बढ़िया योग मिल रहा है आपको। 21 मार्च 8वीं रविवार को एकदम समतुल्य हो जाएगा, मैं पूरे 6 बजे बनारस के अनुसार पूरे 6 बजे सूर्योदय और पूरे 6 बजे सूर्यास्त, 12 घंटा के दिन 12 घंटा के रात, और 12 घंटा के दिन और 12 घंटा का रात जो हुआ ये हमेशा नहीं होता है, आज के ही दिन रहेगा 21 मार्च को ना, और बाकी दिन कभी दिन बड़ा तो कभी रात बड़ा, तो इसके बाद से आपको रात बड़ा होगा और दिन छोटा हो जाएगा, गर्मी के दिन आ जाएगा, तो यही औसत जो है ना सूर्योदय सूर्यास्त का समय 6 बजे, लेकिन वास्तविकता में 6 बजे हमेशा नहीं होता है, कम बेसी चलता है, इसलिए दिन बड़ा छोटा हो जाता है, और सूर्य जो है ये लोग जो कहते हैं कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है बात तो सही है, लेकिन पूर्णतः सूर्योदय पूर्व दिशा में 21 मार्च को होगा, बिल्कुल ठीक 6 बजे पश्चिम में अस्त और पूर्व में उदय होगा, यही सही रहेगा, बाकी के दिन जो है ना वो सूर्य कभी उत्तर भागते हैं कभी दक्षिण भागते हैं, मैंने बिल्कुल सही पूर्व दिशा से सूर्य जो है उत्तरायण हो जाएंगे, उत्तरायण तो सब पहले ही हो गए हैं, तो अब यहाँ से बिल्कुल उत्तर की ओर भागना शुरू हो जाएंगे पूर्व से, लेकिन हम तो अभी आपको 17 मार्च के पंचांग दे रहे हैं ना, 16 मार्च के 16 मार्च मंगलवार के पंचांग दे रहे हैं। तो भौम अश्विनी स्वार्थ अमृता सिद्धि योग एकदम 2400 घंटा रह जाएगा, मतलब मंगलवार का अश्विनी नक्षत्र जब पड़ता है ना तो उसे को भौम अश्विनी कहते हैं, अमृता सिद्धि योग बन जाता है, स्वार्थ अमृता सिद्धि योग, ये बहुत कम मिलता है नहीं फिर भी इसमें आपको जो है ना शुभ काम करने के लिए शुभ मुहूर्त मिल जाता है, ऐसे तो खरमास चहरिए गया शुभ काम बंदे है, शुक्रास्त है तो बंदे है ना, लेकिन फिर भी अत्यावश्यक हो तो ऐसे ऐसे योग में किया जाता है, ऐसे तो जयमान कह ही देते हैं कि बाबा बना देते हैं, नहीं बाबा बनाते नहीं है, बना बनाते हैं पहले से, आपके आवश्यकता के अनुसार बाबा उसको निर्णय करके आपको दे दिए, अंतर इतना ही का। रवि योग जो है ये भी माने कुछ जो दोष त्रुटि रहता है उसको ये भी दूर कर देता है, तो ये भी लगभग 2400 घंटा रह जाएगा, एकदम 6 बजे अगला भोर तक ना अगला दम बिहान हो जाएगा सूर्यास्त से माने कि कुछ पहले तक ना। भौमे जया सिद्ध जो मंगलवार है जया तिथि है तो ये आपको सुबह 7 बजे तक रहेगा।
तो यही आपको भौमे जया सिद्ध योग हो गया। यही आपको फागुन शुक्ल पक्ष तृतीया मंगलवार का पंचांग हुआ। तो मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा, तो लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर जितना चाहे कर सकते, जिसके पास आपको दिखाना हो, भेजना हो, आप भेज सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, यदि कर दिए हैं तो छोड़ दीजिए। ना लाल रंग के होगा, चाहे कोई और कलर भी हो सकता है, तो उसको छू दीजिए, उसका रंग को चेंज कर दीजिए। उसका घंटी आएगा तो घंटी बजा दीजिए, उसका और घंटी उसको बजा दीजिए। इससे दोनों का फायदा हो जाएगा, आपको भी और मेरे को भी। तो ऐसा आप काम कीजिए जिससे सबका कल्याण हो, सबको फायदा हो। शंकर दयाल मिश्र, आदित्यपुर।